बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे उसका रुख करते हैं। उनकी मान्यता है कि उनके सिवा कोई राज नहीं करेगा और अब मोदी के रहते ये सत्ता पर आने का ख्वाब भी नहीं देख सकते, इसलिए ये गाली गलौज है। और ये गाली गलौज कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस के डीएनए में है ये सब गाली, गंदी गाली कर देना। लेकिन वो समझ नहीं रहे कि गाली का जवाब जनता लोकतांत्रिक तरीके से बहुत मजबूती से देगी चुनाव में, क्योंकि कभी देश ने गाली गलौज की संस्कृति को स्वीकारा नहीं है। उसके साथ साथ और भी एक कर रहे, चाय वाला, पिछले चुनाव में चाय वाला हमारे कार्यालय के बाहर चाय का दुकान लगा सकते हैं, हम देंगे स्टॉल की जगह। इतना अहंकार, इतना गरीब का अपमान स्वाभिमान से जीने वाले का, और एक अपने विपक्ष में खड़ा है उसकी काबिलियत देखकर हैरान लोग अब यहां तक आ गए कि चाय वाला कहा। पकोड़े वाले बीच में एक फ्रेज चलाया कि पकोड़े वाला ये क्या रोजगार है, और अभी कह रहे चौकीदार। तो ये गरीब के लिए चौकीदार, और ये सम्मान से नहीं बोल रहे, चौकीदार चोर है बोल रहे, चाय वाला यानी गलत है ऐसा बता रहे, पकोड़े वाला यानी मेहनत से कमाने वाला हर इंसान गलत है, जो बेईमान की कमाई खाता है, कमाई खाता है वही केवल कांग्रेस में पाक साफ है, जो बेईमान की संपत्ति खाता है बेईमानी से मेहनत न करके उनका सम्मान कांग्रेस में है, और जो मेहनत करता है वो चाय वाला हो, पकोड़े वाला हो, चौकीदार हो, उसका अपमान करते हैं। और ये भी समझ ले कांग्रेस कि गरीब का ऐसा अपमान करने वालों को गरीब कभी बख्शते नहीं, क्योंकि वो स्वाभिमान से जिंदगी जगते, मेहनत से जिंदगी जीतते हैं, और उसको आज इस तरह से गाली गलौज पे जब कांग्रेस आती है तो कांग्रेस की छटपटाहट पूरी समझ में आती है। देश भर में, दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र चुनाव में चर्चा का स्तर कभी भी इतना नहीं गिरा जितना कांग्रेस ने गिराया है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन गाली का जवाब हम गाली से नहीं दे रहे, पूरा देश कह रहा है मैं हूं चौकीदार, और चौकीदार है इसीलिए चोर भाग रहा है, और यही कहानी है भारत की। हर भारतवासी कहने लगा मैं हूं चौकीदार, हर गलत चीज के खिलाफ देश की रक्षा करने वाला चौकीदार हर कोई भारतीय है। ये थोड़े लोग हैं जिनका राजनीतिक दोबारा उनका डिफीट निश्चित है, और इसलिए ये गाली गलौज पर उतर आए हैं। इसकी जितना भर्त्सना की जाए कम है। द कांग्रेस मेंटालिटी, द कांग्रेस थॉट प्रोसेस, द कांग्रेस डीएनए इज रिफ्लेक्टेड इन देयर एब्यूसेस दे आर हर्लिंग एट अवर बिलवेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। दे कैन नॉट आर्ग्यू, दे कैन नॉट रेज एनी डाउट, दे कैन नॉट लेवल एनी चार्ज, एंड देयर फोर सोनिया जी स्टार्टेड विथ मौत का सौदागर, गंदी नाली का कीड़ा, राहुल केम अप विथ जाइब ऑफ खून की दलाली। एक वन कांग्रेस लीडर से गंदा आदमी, मणिशंकर नीच, और ये कहा उन्होंने मोदी जी के लिए, और अब राहुल जी कह रहे चौकीदार चोर है। एक कांग्रेस नेता ने, कांग्रेस नेताओं ने न जाने व्हाट दे हैव सेड, हिटलर, नटवरलाल, तुगलक, रावण, निकम्मा, भस्मासुर, एंड यस्टरडे वन लीडर सेड मोदी इज मसूर, ओसामा, दाऊद, आईएसआई। इफ दिस इज द लेवल ऑफ डिबेट what Congress wants to bring on the table, the whole nation condemns this, and people will definitely reflect upon this culture of abuses without any substance, that people are going to reflect
and respond heavily in the polling to come, and that is the way of democracy. This never in the world, this kind of derogatory remarks, one after another, have been hurled at the leader of the country, and at the same time, nowhere in the world this kind of standard has been not raised. Actually, standard has been has come to a derogatory level, and therefore people will respond to this. They also are doing one more sin, and that is to insult the. तो कांग्रेस ने सवाल उठाए थे मैं भी चौकीदार कैंपेन पर, जिसका जवाब प्रकाश जावड़ेकर दे रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस देश के गरीब और काम करने वाले लोगों का अपमान करती है, जिसका जवाब जल्द ही अब जनता देगी। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे फॉर